इट्स बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज एक्सक्लूडिंग इंटरनल मार्क्स. अगर इंटरनल मार्क्स एक्सक्लूड करके CBSE या CIC काउंट करती है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स, तो आपके मार्क्स कैसे हो सकते हैं, कैलकुलेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स देख लीजिए. स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है और अप्लीकेबल हो सकता है. तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो आप जानते हो कोविड, दूसरा पूरे साल आपकी ऑनलाइन स्टडी, 10th के साथ साथ में आपकी जो ऑनलाइन स्टडी थी वो 9th में भी आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ हुई, और फिर इसके बाद थर्ड फैक्टर्स है 2 times बोर्ड एग्जामिनेशंस. ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स की बेस्ट ऑफ आइदर टर्म के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में ये तीन चीज़ें हुई हैं, बाकी अभी तक किसी भी स्टूडेंट के साथ में कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज़ें नहीं हुई हैं. स्टूडेंट देखिए, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में अगर टर्म 170% मार्क्स है, अगर हम सोचें कि 70% से 90% अगर आ सकता है क्या, अगर इंटरनल मार्क्स बेस्ट ऑफ आइदर टर्म है, मतलब 30:70 या 70:30 में इंटरनल मार्क्स नहीं इंक्लूड होते हैं, तो जैसे टर्म वन में मान लीजिए मेरे जो मार्क्स है, मेरे 70% मार्क्स हैं, मैंने हिंदी में 80% मार्क्स, जो कि आउट ऑफ 40 32 60% 24 70% 28 इस तरह से आए हैं, तो जो मेरे 60% मार्क्स थे मैंने टर्म टू में, उसके लिए मैंने ये सोच लिया, मान लिया कि 80% मैंने टर्म टू में स्कोर किए जो 32 मार्क्स हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए कि 80% में डेफिनेटली हम 70 रेशियो अप्लाई करेंगे विच इज़ से 56 मार्क्स, और जो 60% जो मार्क्स आए हैं उसमें हम 30 रेशियो अप्लाई करेंगे विच इज़ 18 मार्क्स. अगर दोनों को ऐड करते हैं 74 मार्क्स, और इंटरनल मान लीजिए 17, 18, 20 से कम जो भी 15 से अंदर अगर अंदर लेते हैं तो मेरा एडिशन 90 के अबो जाता है. तो स्टूडेंट्स अगर ये कैलकुलेशन से जाती है बोर्ड, तो डेफिनेटली स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. पर स्टूडेंट एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 92 मार्क्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 74 मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे CBSE 0.8 मल्टीप्लाई करके 80 में कन्वर्ट कर सकती है और फिर 20 इंटरनल एड कर सकती है, तो आपके मार्क्स 85 के आसपास में रुक जाएंगे. अगर CBSE ने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके मार्क्स डेफिनेटली 92, 93, 94% भी जा सकते हैं, अगर आपके टर्म वन में 70 और टर्म टू में 80 हैं. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.